वो होता है जो रियल लाइफ में लोगों के लिए जी रहा होता है, लोगों के लिए मर मिट रहा होता है। क्या क्या प्रोजेक्ट हो रहे हैं, बहुत लंबी डिटेल है, मैं खुद डिटेल नहीं बता सकता कि लोग क्या ड्रीम्स बेच रहे हैं और क्या चीज़ें दे रहे हैं। बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये भी एक बेरिया टाउन का एक प्रोजेक्ट है। ज़रा इनकी डिटेल पूछते हैं, हमारे भाई को मैं नीचे खड़ा करूँगा, मैं खुद बड़ा इतने लंबे माशाल्लाह द मोस्ट इम्प्रेसिव बंदे मिले इस पूरी मार्केट में। सर क्या करते हैं, क्या नाम है, व्हाट इज़ दिस सर, ये पूरी तफसील बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये हम बहरिया टाउन में भी बना रहे हैं, हम यहाँ पे जितने स्टॉल्स हैं वो बहरिया टाउन के बाहर भी बना रहे हैं, B17 में भी बना रहे हैं। सो कमिंग टू माई प्रोजेक्ट सर, हमारे जो प्रोजेक्ट है ये बहरिया टाउन में है, बहरिया टाउन फेज 8 में है। हमने सर अभी तक 5 प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर किए हुए हैं। इसके अलावा गुलबर्ग ट्रेड सेंटर हमने डिलीवर किया हुआ है, और इसके अलावा जो है दी टॉर्च बहरिया फेज 7 में डिलीवर किया हुआ है। क्रिसेंट टावर हमारा सर ऐसा प्रोजेक्ट है कि हम सर ये ग्राउंड प्लस 16 है, हम अपार्टमेंट जो है 5 मरला अपार्टमेंट 1321 स्क्वायर फीट जो 5 मरला बनता है सर, वो 1.5 करोड़ में हम दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में। आप बहरिया में अगर कोई सा भी घर बनाए, प्लॉट के ऊपर बनाए, कंस्ट्रक्ट करें तो कम से कम आपको 2.5 करोड़ तक लगेंगे। हम जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो 1.5 करोड़ में 1321 स्क्वायर फीट मिनिमम अपार्टमेंट दे रहे हैं, मैक्सिमम ज़्यादा हैं। अब दूसरी बात ये सर कि हम इसके साथ जो है लॉन्ड्रीज, कार वॉशेज, इसके अलावा किड्स प्लेइंग एरिया, हमें यहाँ पर शादी हाल भी दिया हुआ है, फिटनेस सेंटर, ये सारी डिटेल्स आपकी यूट्यूब या कोई वेबसाइट या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं? बिल्कुल सर, हमारा क्रिसेंट लेक टावर के नाम से पेज है, फेसबुक पर हमारा पेज है, आप क्रिसेंट लेक टावर यूट्यूब पर आप सर्च कर लें, हमारे प्रोजेक्ट्स आपको सामने नजर आएंगे। ये सारी बातें तो आप इनके पेजेस पे जाके देख ले। पहले मेरे ऐसे पर्सनल सवाल है, ये बताएं सर आप हीरो क्यों नहीं बने? सर ये बातें मैंने इनफॉर्मल बातें किसी से नहीं की, आपसे पूछ रहा हूँ। सर पहली बात तो ये है कि मैं एक मेरे बाबा जो है आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि हीरो वो होता है जो रियल लाइफ में लोगों के लिए जी रहा होता है, लोगों के लिए मर मिट रहा होता है। अच्छा, कैमरे के सामने एक एक्शन मार के फिर घर जाके सो ही इज नॉट अ हीरो। अच्छा। हीरो वो होते हैं जो हमारे वतन के लिए मर रहे हैं, जो हमारे वतन के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं। मैं बॉक्सिंग कर चुका हूँ, अपने मुल्क के लिए मेडल्स कमा चुका हूँ, मिस्टर के विकेट आइडल जीत चुका हूँ, वेरी गुड, वेरी एजेसम गेम्स में कर चुका हूँ सर, इसे हीरोइज्म कहते हैं सर। हीरो वो नहीं होता जो फिल्मों में आके गाने गा रहा होता है। हमारे पठान बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखते हैं और बहुत कमाल करते हैं, आपके मैच जीतने आने में वो एनर्जी में मैक्सिमम एनर्जी, पठान बड़ा हर जगह अपना नाम देता है, तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, बलोच है, सिंध है, अपना हर जगह पे हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है, हमारे पठानों की एनर्जी, आई लव देम, चाहे उनके प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, ये ईमानदारी, अगर ये बातें लाइव के कर रहे हैं तो उसका प्रोजेक्ट भी इतना ही जेन्युइन होगा। इसके प्रोजेक्ट को जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी बहुत अच्छे डिटेल इस पॉइंट पे जाके, मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस मीटिंग यू, गॉड ब्लेस यू।